हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा, इंग्लिश टूटला में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और आज नाउन का अवॉइडर सेक्शन है, जिसमें हम लोग सारे जो क्वेश्चंस हैं नाउन से रिलेटेड उन्हें सॉल्व करेंगे। और कल मैं कुछ क्लास जो है वो नहीं कर पाई थी, क्योंकि मेरी तबीयत दो तीन दिन से ठीक नहीं चल रही है, तो इस वजह से मैं क्लास नहीं ले पाई थी। और एक चैप्टर ये करने के बाद ही, कंप्लीट करने के बाद ही, और दो चार चीज़ें और चल रही हैं, उस वजह से आज का थोड़ी सी रेगुलरिटी कम हो रही है मेरी। तो चलिए, इसके बाद अब बातों में टाइम ना वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज है डे फोर, नाउन के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग आज सॉल्व करेंगे। जो मैंने अभी तक आप लोगों को पढ़ाया है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है वो सॉल्व करेंगे। एंड नाउ तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट और कंटेंट्स। देखिए, कंटेंट और कंटेंट्स का मतलब होता है कि भाई ऐसा है कि किसी कंटेंट जो होता है ना वो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है। उसका मतलब होता है कि भाई उसका जो सब्जेक्ट मैटर होता है, सब्जेक्ट मैटर को कहा जाता है। और कंटेंट्स का मतलब होता है कि जैसे किसी किताब में जो जैसे किताब में लिस्ट दी रहती है, कंटेंट्स होता है कि भाई उसकी विषय वस्तु, और जो चैप्टर्स में टेबल में बांटा रहता है। तो अब आप खुद ही देखिए, आई हैव नॉट गॉन थ्रू द लेटर सो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट कंटेंट्स, कि भाई उसकी विषय वस्तु क्या है, कि उसका विषय वस्तु क्या है। जैसे कंटेंट ऑफ द स्पीच, कि भाई तुम्हारी स्पीच का कंटेंट क्या है, कि तुम्हारे इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है। तो जब सब्जेक्ट मैटर के रूप में लेंगे तो वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, लेकिन जब उसे सेक्शनल बांट देते हैं तो वो प्लूरल नाउन हो जाता है। तो भाई यहाँ पर जो बात की जा रही है, आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट, कि मुझे नहीं पता इसकी विषय वस्तु क्या है, तो यहाँ पर आएगा कंटेंट, यहाँ पर कंटेंट आएगा, क्योंकि ये अनकाउंटेबल नाउन के रूप में, विषय वस्तु के रूप में यूज हो रहा है, नॉट द टेबल ऑफ जो है किसी चीज प्लूरल नाउन की तरह यूज नहीं हो रहा है। याद रखिएगा इसे, ये है अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल है ये विषय वस्तु, और कंटेंट्स जो होता है वो होता है प्लूरल काउंटेबल नाउन। सेक्शंस तो उसे जो है कंटेंट्स कहा जाता है। तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट्स कंटेंट। द नेक्स्ट वन इज द टीम कैंप्ड एट मोहाली। अब हमारे सामने क्वेश्चन आया टीम। अब टीम जो होता है वो कलेक्टिव नाउन है, पूरी कलेक्टिव नाउन जो होता है वो सारा का सारा प्लूरल के रूप में यूज होता है। आप देखिए, द टीम कैंप्ड एट मोहाली डैश फॉलोड अ रिगरस रूटीन। इसका मतलब है पूरी की पूरी टीम की बात की जा रही है, कहीं से कहीं तक भी टीम बटी हुई नहीं है। तो यहां पर आएगा इट फॉलोड। जब टीम जब कलेक्टिव नाउन बटा हुआ होता है तो वो प्लूरल हो जाता है, और जब कलेक्टिव नाउन एक बात होता है, सब मिलकर एक ही काम करते हैं, तो वो सिंगुलर हो जाता है। इट इज हार्मफुल, ये मैंने आपको बताया था कि अगर कप फुल लगा हुआ हो और उसे प्लूरल करना हो, या किसी भी चीज में फुल लग रहा हो और उसे प्लूरल करना हो तो एस लगा देते हैं। तो यह इट इज हार्मफुल टू टेक कप्स फुल, या इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल्स। तो इसका आंसर होगा इट इज हार्मफुल टू टेक कप फुल्स ऑफ टी 5 times a day। ठीक है, उसके बाद है आई शैल नॉट अटेंड द मीटिंग सिंस आई हैव डैश वर्क टू वर्क टू कंप्लीट। ये तो दोनों ही ऑप्शन गड़बड़ है दोनों में, क्योंकि वर्क जो होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है। अगर आपको वर्क को प्लूरल बनाना है या काउंटेबल बनाना है तो आप यहाँ लिखेंगे सिंस आई हैव मेनी पीसेज ऑफ वर्क, या तो यहाँ लिखेंगे एक तो मच वर्क लिखेंगे, या लिखेंगे मेनी पीसेज ऑफ वर्क, क्योंकि वर्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसलिए मुझे याद आया, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि मैम आपने बताया था कि द रिच के साथ या द पुअर के साथ एपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता, तो क्योंकि वो नॉन लिविंग होने के बावजूद भी नहीं लगता, तो सोसाइटी के साथ क्यों लगा था। तो आज मेरी बात ध्यान से सुनना, द रिच द पुअर एडजेक्टिव से बने हैं। अगर एडजेक्टिव से बना हुआ नाउन हो तो वो अपने साथ जो है एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेता, लेकिन जब कोई नाउन, सोसाइटी इज अ नाउन, जब कोई नाउन जो है वो
है तो एब्स्ट्रैक्ट लेकिन वो पर्संस को रिप्रेजेंट कर रहा हो तो वो नाउन अपने साथ एपोस्ट्रोफी एस ले लेता है। तो दोनों में अंतर है किसमें, वो एडजेक्टिव से बना हुआ है द रिच द पुअर, इसलिए वो एपोस्ट्रोफी एस नहीं लेता, सोसाइटी एक नाउन ही है। चलिए ये यहां तक हो गया, नेक्स्ट इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द डैश ऑफ द बिल्डिंग द बिल्डिंग्स रूफ, भाई बात ये है द रूफ ऑफ द बिल्डिंग किया जाएगा क्योंकि नॉन लिविंग थिंग के साथ बेसिकली जो यूज किया जाता है वो ऑफ यूज किया जाता है अनलेस दे आर पर्सोनिफाइड, अगर वो पर्सोनिफाई नहीं की जा रही है तो यहां आएगा द रूफ ऑफ द बिल्डिंग। नेक्स्ट इज यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड वर्ड्स इफ यू आर टू सक्सीड। देखिए भाई यहां पर होता है वर्ड का मतलब होता है अपनी बात के पक्के होना, बात के पक्के होने का या अपने प्रॉमिस के लिए यूज करने के लिए आप यूज करते हैं यू शुड बी ट्रू टू योर वर्ड, वर्ड्स नहीं होता यहां पर होता है यू शुड ऑलवेज बी ट्रू टू योर वर्ड, वर्ड का मतलब होता है प्रॉमिस। आई विजिटेड डैश एंड जॉइस बट फाउंड जॉन्स, मैंने आपको एक चीज बताई थी अगर जॉइंट पोजेशन हो तो लास्ट वाले नाउन पे एपोस्ट्रोफी एस लगता है तो यहाँ आएगा जॉन एंड मैरीज, क्योंकि हमें कैसे पता चल रहा है जॉइंट पोजेशन है क्योंकि यहाँ पर आ रहा है कपल, जब कपल आ रहा है तो इस समय पता चल रहा है कि घर पर जॉइंट पोजेशन है और जब जॉइंट पोजेशन है तो लास्ट वाले नाउन पे अपोस्ट्रोफी एस का यूज किया जाएगा। दीज कैटल, कैटल एक प्लूरल नाउन है, कैटल में एस नहीं जुड़ता, कैटल है ही प्लूरल क्योंकि एनिमल्स को कलेक्टिव रूप में कैटल कहा जाता है। तो यहाँ है दीज कैटल हैव बीन इन ट्रबल एवर सिंस द फेमाई, इट इज अ पिटी दैट इवन डैश आर एंगेज इन हैजार्डस फैक्ट्रीज, आर एंगेज बोल रहे हैं तो चाइल्ड नहीं आ सकता, चाइल्ड का प्लूरल आएगा चिल्ड्रन, इट इज अ पिटी दैट इवन चिल्ड्रन आर एंगेज इन हैजार्डस फैक्ट्रीज। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज इन द लास्ट इलेक्शन द इलेक्टोरेट डिस इंटरेस्टेडनेस पजल्ड द पॉलिटिशियन, ये मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जो इलेक्टोरेट होता है यानी कि मतदाताओं, ये अपने आप में प्लूरल है तो इसके साथ एस जो है वो लगेगा ही नहीं क्योंकि ये ही प्लूरल है, मतदाताओं के लिए कहा जाता है। हाँ एपोस्ट्रोफी एस इसलिए लगाएंगे क्योंकि डिसइंटरेस्टेडनेस, तो दो नाउन्स हैं, तो यहां पर आएगा इलेक्टोरेट। ठीक है, इलेक्टोरेट क्योंकि अपने आप में प्लूरल है इसमें एपोस्ट्रोफी एस यही लगेगा, इसका करेक्ट आंसर है इलेक्टोरेट्स। I gave him 200 rupee notes for buying a new toy. 200, ये देखिए पहली संख्या प्लूरल तो लास्ट वाला नाउन प्लूरल और बीच में कोई भी नाउन प्लूरल नहीं होगा तो यहाँ आएगा रूपी। I gave him 200 rupee notes for buying a new toy. अब यहाँ देखिए America's problems. अब आप खुद देखिए America's problems बोला है यहाँ पर, America's problems. अमेरिका, मैंने अभी आपको एक चीज ये पहले ही बोली कि जब कंट्री या सोसाइटी ह्यूमन बीइंग्स को अपने नागरिकों को रिप्रेजेंट करते हैं तो वो एपोस्ट्रोफी एस लेते हैं। तो अमेरिका प्रॉब्लम्स हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज इंडिया, अगर यहाँ ऑफ इंडिया लगाते हो तो भाई लगाते दोज ऑफ इंडियाज, दोज ऑफ इंडियाज। अब यहां पर आ रहा है यहां पर इंडियाज कर देंगे, अमेरिका प्रॉब्लम्स और हाउएवर नॉट सो सीरियस एंड ऑफुल एज, वैसे तो यहां पर भी वो लगना तो चाहिए ही, एज दोज ऑफ इंडियाज। इट इज नॉट माय बिजनेस टू गिव एन एडवाइस टू दोज हु आर नॉट सेंसिबल। पहली बात, जो एडवाइस है वो अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन अपने पहले कभी भी ए या एन का यूज नहीं करता, अनकाउंटेबल नाउन है। अगर आपको इसे प्लूरल बनाना है तो इसके पहले पीस ऑफ या पीसेस ऑफ लगाया जाता है, प्लूरल बनाना हो तो पीसेस ऑफ और अगर इसे काउंटेबल बनाना हो तो अ पीस ऑफ। तो ये एन एडवाइस तो होगा ही नहीं, इट इज नॉट माई बिजनेस टू गिव
टू एडवाइस, टू गिव एडवाइस, तो यहाँ पर एडवाइस आएगा भाई, अगर ऐसी लग जाता तो ये वर्ब हो जाता टू गिव एडवाइस, तो यहाँ पर टू दोज क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है तो अपने आगे ए और एन का यूज नहीं होगा। द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, देखिए पुलिस जो होता है वो कलेक्टिव नाउन होते हुए भी प्लूरल माना जाता है क्योंकि वो सब स्टेट्स की अलग अलग होती है, तो पुलिस जो होती है एक कलेक्टिव, आर्मी सिंगुलर मानी जाती है, जो भी और कलेक्टिव नाउन्स हैं वो सिंगुलर माने जाते हैं, मगर पुलिस चूंकि बटी हुई है तो उसको जो है प्लूरल माना जाता है, पुलिस मैन कहोगे तो अलग बात हो जाती है, लेकिन पुलिस जो है एज अ कलेक्टिव नाउन भी प्लूरल माना जाता है। द फाइनेंस मिनिस्टर बोस्ट ऑफ इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशंस ऑफ द कंट्री, तो यहाँ पर ऑफ द कंट्री आएगा क्योंकि कंट्री की कंडीशन के बारे में कहा जा रहा है, तो लास्ट में अपोस्ट्रोफी एस लगाने की जरूरत नहीं है। आई डोंट थिंक इट्स योर हाउस, इट्स समबडी एल्स, ये मैंने आपको बताया था कि समबडी के बाद अगर एल्स लगता है तो अपोस्ट्रोफी एस समबडी एल्स में आता है, तो यहाँ पर ये मुझे नहीं लगता ये तुम्हारा घर है, ये किसी और का घर है। She misplaced her spectacles. देखिए spectacles, goggles, trousers, pants, ये जितनी भी चीजें हैं ये pair में use होती है। अगर आपको इन्हें singular बनाना है तो a pair of, वरना two pairs of कहते हैं। स्पेक्टेकल्स है, कभी भी एक रूप में यूज नहीं होता, मतलब एक आंख पे लगा के चलती है दूसरी पे नहीं है, ये हमेशा पेयर में यूज होते हैं इसलिए ये प्लूरल माने जाते हैं। तो यहाँ पर आएगा शी मिसप्लेस्ड हर स्पेक्टेकल्स, वैसे भी स्पेक्टेकल मतलब होता है नजारा। द अरेबियन नाइट्स इज अ कलेक्शन ऑफ वेरी इंटरेस्टिंग, ये वैसे भी यहाँ ए आ रहा है इससे पता चल रहा है, अरेबियन नाइट्स जब किसी किताब का नाम होता है भले ही प्लूरल हो लेकिन वर्ब कैसा लगेगा सिंगुलर। I hope to visit my uncle only next year during summer vacation. Summer vacation एक ही छुट्टी के लिए summer vacation कहा जाए। अब यहाँ देखिए jury, jury एक collective noun है लेकिन बटी हुई है, जब collective noun बटा हुआ होता है तो वहां पे verb भी कैसा लगता है plural, तो इसलिए यहाँ आएगा the jury were divided in their opinion. He has ordered bricks for the proposed hotel and bar. अब एक चीज याद रखिएगा, जब भी मटीरियल, जो मटीरियल नाउन होता है, मटीरियल नाउन का मतलब होता है जिस चीज से कोई चीज बनती है, जैसे सोना चांदी मटीरियल नाउन नहीं है अनलेस उनसे हम कोई चीज ना बनाए। अगर हम सोना चांदी कहेंगे तो वो कॉमन नाउन है, और अगर अलग अलग मटीरियल्स का नाम लेंगे तो प्रॉपर हो जाएंगे, लेकिन अगर आप कहते हो कि सोना मटीरियल है तो नहीं, अगर आप कहते हैं कि सोने से कंगन बनते हैं तो सोना मटीरियल नाउन है, दूध से चाय बनती है तो दूध मटीरियल नाउन है, अदरवाइज नहीं। अब आप यहाँ देखिए ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक्स, यहाँ जो ये ब्रिक है ये मटीरियल नाउन हो गई क्योंकि यहाँ पर इसका यूज करा जा रहा है होटल और बार बनाने के लिए। जब मटीरियल नाउन होता है तो वो अपना अस्तित्व खो देता है, जब हम किसी से कोई चीज बनाते हैं तो वो चीज खत्म हो जाती है, उसका अस्तित्व खत्म हो जाता है, और इसीलिए मटेरियल नाउन जो होता है वो कभी भी प्लूरल नहीं होता, जिस चीज से कोई चीज बनाई जाती है वो मटेरियल नाउन होता है, मटेरियल नाउन कभी भी प्लूरल नहीं होता, इसीलिए यहाँ आएगा ही हैज ऑर्डर्ड ब्रिक फॉर द प्रपोज होटल एंड बार। ठीक है, वेन यू सी हिज ऑफ स्प्रिंग यू कांट बिलीव दैट ही इज अबव 70। ऑफस्प्रिंग जो होता है इसका मतलब होता है ऑफस्प्रिंग सिंगुलर और प्लूरल, ऑफस्प्रिंग और इशू, अगर बच्चा या बच्चे के सेंस में यूज होता है, बच्चा या बच्चे के सेंस में यूज होता है तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में यूज किया जाता है, ये कभी भी प्लूरल फॉर्म में, यानी कि ये सिंगुलर प्लूरल फॉर्म में दोनों में एक सा रहता है, ऑफ स्प्रिंग्स नहीं होता, इसका मतलब होगा ऑफ, इसका यूज होगा ऑफ स्प्रिंग। मेनी ऑफ द एमपीज एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम पार्लियामेंट व्हेन सम इश्यूज ऑफ द हाईएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस वर टू बी डिस्कस, यहां जो हम ये इश्यूज बात कर रहे हैं ये मुद्दे हैं,
तो मुद्दों के लिए इशू एंड इश्यूज होता है, अगर बच्चों के सेंस में लेते हैं तो वो सिंगुलर ही यूज होता है इशू। तो मेनी ऑफ द एमपीज एब्सेंटेड देमसेल्व्स फ्रॉम पार्लियामेंट व्हेन सम इश्यूज ऑफ द हाईएस्ट नेशनल इंपॉर्टेंस वर टू बी डिस्कस। तो ये नो एरर है, इसमें कोई भी गलती नहीं है। द इश्यूज आर वेरी कॉम्प्लेक्स एंड प्रॉब्लम इज दैट दे आर बाउंड टू बी ऑब्सक्योर्ड बाय दोज हिपोक्रिटिकल पॉलिटिशियंस। इस सेंटेंस में भी कोई गलती नहीं है क्योंकि यहां भी इश्यूज मुद्दों की बात की जा रही है। I do my best, but I don't understand why I don't get expected marks in the examination. अगर आप इस सेंटेंस में देखें तो मार्क का मतलब होता है चिन्ह और मार्क्स का मतलब होता है अंक। तो यहां पर ये सेंटेंस में कोई भी गलती नहीं है क्योंकि ये सेंटेंस कह रहा है कि मैं अपनी मेहनत पूरी करता हूं मगर मुझे पता नहीं नंबर क्यों नहीं मिलते, तो ये नो एरर है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। यू आर अमंग दोज लकीएस्ट मैन। अमंग दोज यानी कि वन ऑफ दोज, तुम उनमें से कुछ लकी लोगों में से एक हो। तो लकी लोगों में से अमंग दोज आ रहा है, तो यहाँ एम ई एन, जैसे वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है ऐसे ही अमंग आ रहा है। अमंग से वही कि वन ऑफ की इसमें छिपा हुआ है वन ऑफ, तो यू आर वन ऑफ दोज मैन। तो अमंग के जहां पर भी आता है उसका मतलब ये होता है कि बहुत से लोगों में से एक, इसीलिए वन ऑफ के बाद जैसे प्लूरल नाउन लगता है ऐसे ही यहां पर भी अमंग के बाद प्लूरल नाउन आएगा। द ब्लाइंड्स लाइफ इज रियली वेरी मिजरेबल बिकॉज दे कांट सी व्हाट हैपेंस अराउंड देम। देखिए द ब्लाइंड कह रहे हैं, ब्लाइंड इज एन एडजेक्टिव, द ब्लाइंड्स। अब मैंने अभी आपको बताया था अगर कोई एडजेक्टिव से कलेक्टिव नाउन बनता है तो उसमें अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगता बल्कि वो ऑफ से पजेसिव बनाया जाता है। द ब्लाइंड्स लाइफ नहीं, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। आई होप ये बात यहां तक आप समझ में आ गई हो, द लाइफ ऑफ द ब्लाइंड। In these days of inflation, a 10 rupees note will not buy you even an ordinary meal. देखिए यहाँ ये सिंगुलर है, इसका मतलब जितने भी नाउन है सब सिंगुलर रहेंगे, तो रुपीज में से एस जो है वो हट जाए। A 5-man inquiry committee was appointed. देखिए ये पहला नाउन जो है वो सिंगुलर है तो सारे नाउन सिंगुलर ही होंगे। A 5-man, अ 5-man, क्योंकि वो कोई सा भी प्लूरल नहीं होगा, सारे सिंगुलर रहेंगे। अ 5-man कमिटी, बस 5-man होता तो हो जाता लेकिन पहला नाउन सिंगुलर था तो इसीलिए वो सारे के सारे नाउन। अ 5-man इंक्वायरी, क्योंकि ये देखिए ये पूरा का पूरा नाउन है, अ 5-man इंक्वायरी कमिटी, तो ये पूरा का पूरा एक ही नाउन है तो इसीलिए लास्ट नाउन ये है, तो सारे बीच के नाउन कैसे रहेंगे, सिंगुलर रहेंगे। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बींग अ कावर्ड पर्सन। कावर्ड अगर लगा रहे हैं तो उसके साथ पर्सन लगाने की जरूरत नहीं है। पीपल ब्लेम्ड हिम फॉर बींग अ कावर्ड, तो यहां पर पर्सन जो है वो हटा दीजिए, बींग कावर्ड। ये मैंने आपको बता दिया था बींग अ कावर्ड। फिर उसके बाद है ही गोज टू द ऑफिस बाय फुट, ये बाय फुट नहीं होता है, ये होता है ऑन फुट, पैदल जाने के लिए यूज किया जाता है ऑन फुट। द 100 rupees नोट्स दैट ही गेव देम फॉर द गुड्स बॉट फ्रॉम देम लुक्ड जेन्युइन बट लेटर दे रिलायबली लर्न दैट द नोट्स वर ऑल काउंटरफेट। भाई यहां पर आपको दिख ही रहा है द 100 rupees नोट्स नहीं होगा, द 100 rupee नोट्स होगा, क्योंकि भाई 100 rupee नोट्स है यहाँ पर बंडल्स के बंडल में नोट्स की बात की जा रही है, तो 100 rupee नोट्स होगा, बीच का नाउन प्लूरल नहीं होगा। कैटल्स वर ग्रेजिंग, कैटल मैंने आपको बताया था अपने आप में ये प्लूरल नाउन है, उसमें एस का यूज नहीं किया जाता। देयर फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द साइट कीप्स द लेबर फोर्स ऑलवेज अलर्ट एंड ऑन देयर टोज। तो भाई देखिए फ्रीक्वेंट विजिट्स आ रहा है, विजिट्स प्लूरल हो गया, विजिट्स एक नाउन है, दे आर फ्रीक्वेंट विजिट्स। विजिट्स जो है भाई, जब विजिट जो है एक वर्ब भी है और एक नाउन भी है। विजिट वर्ब का मतलब है कि कहीं पर जाना,
और विजिट्स जो होता है किसी आगमन को बोला जाता है विजिट्स, तो या विजिट, तो ये विजिट और विजिट प्लूरल फॉर्म में यूज हो सकता है. तो दे आर फ्रीक्वेंट विजिट्स, विजिट्स इज अ नाउन, फ्रीक्वेंट एडजेक्टिव. तो दे आर फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द साइट, कीप्स नहीं होगा, कीप होगा क्योंकि नाउन प्लूरल है तो वो भी प्लूरल होगा. दे आर फ्रीक्वेंट विजिट्स टू द साइट, कीप द लेबर फोर्स. आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स ही वॉज टेकन टू द गवर्नर चैम्बर फॉर द स्वरिंग इन सेरेमनी. आफ्टर द ब्रीफ अपीयरेंस बिफोर द वेटिंग क्राउड्स नहीं होगा, दैट विल बी क्राउड. क्राउड अपने आप में ही एक प्लूरल नाउन होता है तो उसके साथ जो है एस लगाने की आवश्यकता नहीं है. If a student needs advices about careers, he or she should consult the career officer. तो भाई advices नहीं होगा, pieces of advice होगा. If a student needs advice about careers, career सही है क्योंकि विभिन्न career के बारे में बात की जा रही है. India is one of the leading film producing countries. One of के बाद जब भी जहां भी noun आता है वो noun जो होता है जो उसी से जुड़ा हुआ होता है plural हो जाता है. So one of the leading film producing countries. Though he addressed the boys for a few minutes only, the earnestness with which he spoke went home to them. Went home एक बात होता है कि भाई समझाने के point of view से use किया जाता है. देखिए अगर किसी को कुछ समझाना होता है तो उसके लिए use किया जाता है, go home, went home का use किया जाता है. Though he addressed the boys for a few minutes only, the earnestness with which he spoke went home to them. So, यहाँ पर कोई भी गलती नहीं है, ये sentence बिल्कुल सही है. One of my good friends, friend की जगह हो जाएगा friends, क्योंकि one of के बाद आने वाला noun कैसा होता है? Plural. Rajesh is one of the best students in his class. तो यहाँ student नहीं होगा, यहाँ होगा students. Rajesh is one of the best students in his class. The idea that shook the whole world was published in one of the unknown journals. One of के बाद आने वाला noun plural use किया जाता है. So these were the questions जो अभी noun के जितना मैंने आपको पढ़ाया वो सारे इसमें हमने cover करेंगे. इसी तरीके की और exercise आप लोग करिएगा, थोड़ा सा पढ़ के देखिएगा तो पूरा concept आप लोगों को clear हो जाएगा. Thank you very much. मिलते हैं कल. Bye bye.